देख सकते हैं ये रहने वाली आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। बहुत लोगों की गाड़ी रॉयल एनफील्ड हिमालयन लगेगी, बहुत लोग इसे हिमालयन बोलेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, इस गाड़ी का जो कंपनी नाम दिया स्क्रैम दिया, स्क्रैम से आप स्क्रैम्बलर एक कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रैम्बलर मतलब जो आपको ट्यूरिंग सेगमेंट में बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, उससे बिल्कुल ही गाड़ी रहने वाली है। मेनली जो कंपनी फोकस करने वाली है वो ट्यूरिंग सेगमेंट पर फोकस करने वाली है। तो कंपनी ने हिमालयन के बाद ये ऑल न्यू बाइक ला दी। छोटे मोटे अपडेट किए गए हिमालयन कंपटीशन में, कोई बड़े अपडेट नहीं किए गए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड आपको हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर देंगे। कंपनी ने क्या कुछ आपको बड़े बदलाव किए हैं, क्या कुछ छोटे बदलाव किए हैं, गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग, माइलेज, और कंपनी आपको इसमें लगभग 7 से 8 न्यू कलर कॉम्बिनेशन ऑफर कर रही है और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी किया है साइड बाई साइड। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक को स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। तो ओवरऑल आप इस गाड़ी की लुक एंड कलर कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, एक बहुत ही शानदार गाड़ी लुक ऑफर कर रही है और खासकर जो रेड कलर देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आपको कहीं से भी कलर कॉम्बिनेशन लुक वाइज आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कंपनी आपको इसमें 7 कलर स्कीम्स ऑफर कर रही है, थोड़े बहुत 2-4 हज़ार रुपये का प्राइस डिफ्रेंशिएशन भी देखने को मिलेगा कलर स्कीम वाइज। बाकी इस गाड़ी की अगर हम प्राइसिंग वाइज बात कर लें, क्या कुछ प्राइसिंग पड़ जाती है, जो कि बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे क्या इस गाड़ी की लेटेस्ट प्राइसिंग पड़ी है। इस गाड़ी की अगर हम एक्सट्रोन प्राइसिंग की बात कर लें, जो इस गाड़ी का बेस वेरियंट जो इसकी सबसे लोअर कलर रहने वाली, इसका सबसे कम प्राइस रहने वाला, वो उसकी जो प्राइसिंग रहेगी 2,03,000 रुपीज एक्सट्रोन प्राइसिंग रहने वाली है। गाड़ी आपको ऑन रोड 2,45,000 से लेकर 2,60,000 के बीच में इसके सारे मॉडल्स आपको ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी। आपको हमने डिस्क्रिप्शन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप बेझिझक वहाँ पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए ओवरऑल आप इस गाड़ी की लुक एंड कलर कॉम्बिनेशन देख लिए, चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट साइड से। तो अगर हम फ्रंट साइड से बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के ओवरऑल लुक देखेंगे तो फ्रंट से बहुत ही शानदार निकल के आ रही है। फ्रंट में आपको अभी भी कंपनी ट्यूबलेस टायर्स ऑफर नहीं कर रही है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। आपको फ्रंट में 100x90 19 इंचेस वाले स्पोक व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं इसमें आपको साइड्स में रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतरीन, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको गाड़ी से महसूस नहीं होने वाली है, जो कि कई हद तक बहुत ही शानदार बात रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको साइड्स में रिफ्लेक्टर, जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग बताया, आपको इस गाड़ी में ABS का बहुत ही शानदार सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जो फ्रंट में इसकी जो डिस्क की साइज यूज़ की गई है वो 300 मीटर के आपको फ्रंट में डिस्क साइज देखने को मिल जाती है, जिसका ये बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स निकल के आने वाला है। तो ब्रेकिंग वाइज कोई आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से महसूस नहीं होगी, एक बहुत ही शानदार गाड़ी ब्रेकिंग आपको ऑफर करने वाली है। उसके अलावा अगर गाड़ी के बारे में बात कर लेंगे, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये आपने देखी इसकी ABS की ब्रेकिंग, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। फ्रंट की अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे सस्पेंशन साइज कंपनी थोड़ी सी डिक्रीज की है, और अगर आप इसे हिमालयन से कंपेयर करेंगे तो हिमालयन फ्रंट में आपको 21 इंचेस वाले आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 19 इंचेस वाले टायर साइज यूज़ किए गए। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल 190mm का आपको फ्रंट में ट्रैवल देखने को मिल जाता है सस्पेंशन का। साइड्स में अगर इंडिकेटर की बात करेंगे तो नॉर्मली आपको बल टाइप की कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट से अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक LED वाली नॉर्मल आपको लाइट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो मेन इसका सेटअप यूज़ किया गया वो अभी भी आपको हैलोजन कराता है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको अपडेट बिल्कुल प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल अगर आप फ्रंट से लुकेंगे तो एक आपको ऑल न्यू लुक, एकदम फ्रेश लुक कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। बहुत ही शानदार फ्रंट में मटेरियल यूज़ किया गया, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपनी ने की है वो पहले से बहुत बेहतर कर दी है। अगर आप इसे डायरेक्ट हिमालयन से कंपेयर कर लेंगे तो हिमालयन से कंपनी ने कई हद तक एक बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे ऑफर की है। बाकी इंडिकेटर्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बाकी आप यहाँ पे स्विचेस देख लेंगे तो आपको पास हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स हॉर्न आपको पहले जैसे सिर्फ कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर करती है। बाकी अगर आप मीटर कंसोल गाड़ी की देख लेंगे तो मीटर कंसोल ही बहुत ही दमदार रहने वाला है, आपको यहाँ पे अच्छे खासे फीचर्स इन्हों मिल जाते हैं, जहाँ आपको कोई फीचर्स की कमी महसूस यहाँ नहीं होगी, क्योंकि कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात रहती है कंपनी आपको यहाँ पे अच्छे खासे फीचर्स ऑफर कर देती है। ट्रिप ए देखने को मिल जाता है, ट्रिप बी देखने को मिल जाता है, ट्रिप एफ देखने को मिल जाता है, ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, गियर इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे शो करता है, जो कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात है। तो ओवरऑल जिसमें कलर कॉम्बिनेशन जो लाइटिंग यूज़ की वो बहुत ही शानदार की गई है, तो आप ओवरऑल इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का जो मीटर कंसोल है वो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है, तो आपको मीटर कंसोल वाइज तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी या तकलीफ महसूस नहीं होगी, एक बहुत ही शानदार आपको यहाँ मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इधर आपको इंजन के हैजार्ड लैंप की स्विच आपको देखने को मिल जाती है पहले की तरह, जैसे आपको हिमालय में ऑफर की जाती थी। 15 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है, जो कि कई हद तक ये बहुत ही शानदार ओवरऑल फ्यूल टैंक कैपेसिटीज की रहने वाली है। तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी से बिल्कुल महसूस नहीं होगा, एक बहुत ही शानदार फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हम इस गाड़ी के इंजन, तो आपको हम बता दें पहले आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो जिस गियर में भी आप गाड़ी चलाएंगे आपके मीटर कंसोल में वो शो करने वाला है। कई हद तक एक बहुत ही शानदार और एडवांस फीचर बिल्कुल कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है। चलिए बात करते हैं इंजन वाइज, 411cc का 411cc का आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSC इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत शानदार कंपनी ने एयर कूल्ड आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 24.31 PS की मैक्स पावर एट द रेट
6500 rpm देखने को मिल जाएगा। 32 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि ओवरऑल एक बहुत ही शानदार है। तो आपको कोई वैसी कमी महसूस नहीं होगी 200 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर देती है, जो कि बहुत शानदार बात रहने वाली है। डुअल स्टैंड जो होता है, आपको जो मेन स्टैंड होता है वो कंपनी आपको एक्सेसरीज के पार्ट पे ऑफर करेगी, आपको कंपनी तरफ से फिटेड दिखने नहीं मिलता है। बस जो आपका नॉर्मल साइड स्टैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो ओवरऑल इसका इंजन बहुत ही शानदार इंजन रहता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं हिमालयन स्क्रैम 411 की बैचिंग देखने को मिल जाती है। सीट आप ओवरऑल देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे स्प्लिट सीट यूज़ नहीं की गई है। सीट में कुशनिंग बहुत ही दमदार है, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, आप कुशनिंग देख सकते हैं, सॉफ्टनेस देख सकते हैं, एक बहुत ही शानदार सॉफ्टनेस कुशनिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। तो कंफर्टेबल राइड वाइज गाड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ दिक्कत परेशानी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्यूरिंग सेगमेंट को देखते हुए कंपनी ने ऑल न्यू बाइक बनाई है, तो ट्यूरिंग में आपको बिल्कुल ही फुल ऑन मजा देने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बैक की जो पिलियन की भी सीटनिंग है, जो कुशनिंग है, वो भी बहुत कंपनी ने ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार बनाया है। बाकी ओवरऑल देख सकते हैं साड़ी गार्ड आपको देखने को मिलेगा इंडियन के नॉर्म्स में जैसे होता है। बाकी आप ओवरऑल चैन देख सकते हैं, तो चैन ल्यूब करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इजिली चैन ल्यूब कर सकते हैं, इजिली अपने चैन का टेक केयर आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपको हमने बताया डुअल चैनल भी सबको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, तो ब्रेकिंग वाइज ऐसा कोई आपको दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से महसूस नहीं होगा, एक बहुत ही शानदार गाड़ी ब्रेकिंग आपको यहाँ पे ऑफर करेगी। उसके बाद अगर बात करें हम इस गाड़ी के बैक एंड से, बैक एंड में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, तो बैक एंड पे अगर आप शॉक के एब्जॉर्बर की बात करें, कौन सा आपको देखने को मिलता है, मोनो शॉक विथ लिंकेज आपको शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है, जिसका कि ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही शानदार आएगा, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 180 की आपको यहाँ पे व्हील ट्रैवल देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार आपको सस्पेंशन कंपनी सेटअप आपको किया हुआ है, और ये सस्पेंशन ही देख सकते हैं, ये ऑल न्यू सेटअप है कंपनी द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल राइड में आपको इंक्रीजमेंट करने की कंपनी द्वारा कोशिश की गई है, और कई हद तक आपको कंफर्टेबल राइड में इंक्रीजमेंट होते हुए मिल भी जाएगा, जो कि एक बहुत ही शानदार बात रहने वाली है। तो ओवरऑल सस्पेंशन आप लोग देख सकते हैं। बैक की टायर की बात करेंगे, 120x90 17 इंच वाले स्पोक व्हील वाले आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाकी स्पोक व्हील्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो इस गाड़ी का बैक का टायर है वो बहुत ही दमदार है, अच्छी खासी वहाँ पे आपको ग्रिप देखने को मिल जाती है। सीएट कंपनी के आपको टायर यहाँ फिटेड देखने को मिल जाते हैं, ये ग्रिप देख सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले जो आपको कंपनी आपको जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है टायर्स, जो कि आपको ग्रिप बहुत ही बेहतर बनाने वाले रोड पे, एक बहुत ही शानदार बात है। सीएट की आपको कंपनी पहले से फिटेड देती है। बैक के डिस्क की बात करेंगे, 240mm की आपको यहाँ पे ABS वाली डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में आपको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको यहाँ पे ABS ऑफ करने का कोई सिस्टम नहीं, जैसे आपने हिमालयन देखा होगा कि आप वहाँ पे ABS ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि आप ABS ऑफ कर पाएंगे। ABS अगर आपको ऑफ करना है तो अपने सीट को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ के थ्रू आप अपने ABS को ऑफ कर सकेंगे, बाकी ऐसे कंपनी ने कोई स्विचेज आपको ऑफर नहीं किए हैं। बैक एंड की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, आपकी जो बैक में आपकी नंबर प्लेट लगी उसके ऊपर आपको एक TLED देखने को मिल जाती है, तो ये आपको LED लाइट वाली यूज़ की गई है। साइड्स के अगर बैक एंड के इंडिकेटर देख लेंगे तो ओवरऑल शानदार है, लेकिन आपको बल्ब टाइप के देखने को मिलते हैं। बैक का टेल लैंप बहुत ही शानदार है, अच्छा खासा टेल लैंप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नाइट विजन में एक बहुत ही शानदार रोड प्रेजेंस और बहुत ही शानदार आपको नाइट विजन में प्रेजेंस प्रोवाइड करने वाला है। देख सकते हैं इसका टेल लैंप देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। ओवरऑल आपको लुक यूज़ किया गया है, जो इसमें डिजाइनिंग यूज़ की गई है, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एग्जॉस्ट आप इस गाड़ी का चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जो लुक रहेगी वो आपकी हिमालयन वाली रहेगी, क्योंकि गाड़ी जो टोटली ये स्क्रैम 411 है, ये टोटली आपकी जो हिमालयन देखने को मिल जाती है वहीं से इंस्पायर्ड है, सेम उसके बेस पे बनी हुई है, सेम इंजन लगभग ऑफर करती है, थोड़े बहुत स्पेक्स नीचे ऊपर कंपनी द्वारा किए गए हैं, तो आप ये चीज़ जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि सेम गाड़ी ये हिमालयन से इंस्पायर्ड है। बाकी आप बैक की ये देख सकते हैं, जो आपकी बैक की हैंडलिंग में मिल जाती है, तो बहुत सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अपना जो भी सामान रहेगा इजिली कैरी कर सकते हैं। बैक का फुटेज फोल्डेबल है, बहुत सही क्वालिटी का यूज़ किया गया है, ये तारीफ करनी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड की, जो यहाँ पे क्वालिटी कंपनी ने यूज़ की वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी लॉन्ग टर्म में नहीं आने वाली, एक बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी साथ आती है। ओवरऑल जो इनकी क्वालिटी यूज़ करती है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी द्वारा नहीं किया गया, कहीं भी आपको ऐसा प्राइस कटिंग वाला सीन नहीं लगेगा, किक आपको यहाँ देखने नहीं मिलता है, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत लोग किक के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्या कंपनी ने किक ऐड ऑन किया, जी ऐसा कुछ नहीं है, किक आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता है, जो कि आपको पता ही होगा, तो अपने गाड़ी को सेल्फ के थ्रू इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी का माइलेज बहुत लोग जाना चाहते होंगे, तो 25 के आसपास गाड़ी आपको 25 से 28 के आसपास गाड़ी आपको इजिली माइलेज निकाल के देगी। हाईवे राइडिंग करेंगे तो 30 के आसपास का आप इस गाड़ी से इजिली माइलेज गेट कर पाएंगे, जो कि कई हद तक एक ओवरऑल बहुत ही शानदार इस गाड़ी के लिए बात रहने वाली है। अगर आपको ये गाड़ी हाईवे राइडिंग पे 30-32 का माइलेज निकाल के दे दे तो एक बहुत ओवरऑल बात रहने वाली है, और मैक्सिमम लोग इसको टूरिस्ट सेगमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये कलर कॉम्बिनेशन, कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको लगभग इसके सारे फीचर्स स्पेक्स एक्सप्लेन कर दिए, जो कि आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ऑन रोड प्राइसिंग बता दी आपको हमने, डिस्क्रिप्शन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग और लगभग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, EMI फाइनेंस सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड स्कैम 411 के बारे में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जो करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर आप कैसे भी ठोक दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक को शेयर करिएगा ताकि और लोग को पता चल सके इस स्कैम की ऑनरोड प्राइसिंग, माइलेज और क्या कुछ फीचर्स स्पेक्स ऑफर कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।